आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर, कक्षा द्वितीय, विषय अंग्रेजी। आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं दोज का प्रयोग। THOSE, दोज मतलब वे। आज हम दोज के साथ में वॉट के प्रयोग को समझेंगे। पिछले अध्याय में हमने आर को पहले लेते हुए दोज के वाक्यों को पढ़ा। हमने उसमें पहचाना कि जब हम आर का प्रयोग पहले करते हैं तो ऐसे वाक्यों में प्रश्न में क्या को हम पहले बोलते हैं और उसका उत्तर यस या नो में देते हैं। आज पढ़ रहे हैं व्हाट के साथ दोज का प्रयोग। व्हाट आर दोज। व्हाट का मतलब क्या, आर में है, दोज मतलब वे। यहाँ दूर की रखी वस्तुओं के लिए दोज का उपयोग हुआ है। व्हाट आर दोज, वे क्या हैं। तो हमें सामने कलम के चित्र दिख रहे हैं तो हम कहते हैं दे आर पेंस। THEY, दे मतलब वे। ARER मतलब है। PENS, पेंस मने अनेक कलम, एक से अधिक कलम होने पर पेन की वर्तनी के आगे एस का प्रयोग होता है। दे आर पेंस, वे कलम हैं। उसी प्रकार व्हाट आर दोज, यहाँ पर व्हाट का प्रयोग क्या के लिए, आर का प्रयोग बहुवचन में है के लिए और दोज का मतलब वे। तो पूरी पंक्ति की हिंदी होगी वे क्या है। तो हमें सामने पुस्तकें रखी हुई दिख रही हैं चित्र के रूप में तो हम कहते हैं दे आर बुक्स। दे मतलब वे, आर मतलब है, बुक्स मने पुस्तकें, वे पुस्तकें हैं, वे किताबें हैं। उसी प्रकार व्हाट आर दोज, वे क्या हैं। सामने केलों के चित्र दिख रहे हैं इसलिए उत्तर लिखा हुआ है दे आर बनानाज। दे मतलब वे, आर मतलब है, बनानाज मतलब केला, वे केले हैं। व्हाट आर दोज, वे क्या हैं। सामने ट्रॉफियां, चॉकलेट के चित्र दिख रहे हैं इसलिए हम कह रहे हैं दे आर ट्रॉफीज। दे मतलब वे, आर मने हैं, ट्रॉफीज मने ट्रॉफियां, वे ट्रॉफियां हैं। व्हाट आर दोज, नीचे सामने सेवाओं के चित्र की तरफ इशारा करते हुए पूछ रहे हैं व्हाट आर दोज, वे क्या हैं। तो सेव के चित्र को देखते हुए हम कहते हैं दे आर एप्पल्स, वे सेवे हैं। नीचे अंगूर के चित्र की ओर इशारा करते हुए कह रहे हैं व्हाट आर दोज, वे क्या हैं। तो अंगूर के चित्र को देख के हम कहते हैं दे आर ग्रेप्स, वे अंगूर हैं। इस प्रकार लेसन 14 में हमने सबसे पहले सामान्य दोज के वाक्यों का अभ्यास किया और समझा कि दोज का उपयोग दूर रखी वस्तु के लिए तथा बहुवचन के लिए होता है। उसके पश्चात लेसन 15 में हमने आर को पहले लेते हुए दोज के वाक्यों का अभ्यास किया, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों का अभ्यास किया जिसका उत्तर यस से प्रारंभ हो रहा था। फिर लेसन 16 में हमने ऐसे आर को पहले लेते हुए दोज के वाक्यों का अभ्यास किया जिसका प्रश्नों का उत्तर नो से प्रारंभ होता था। आज हमने लेसन 17 में व्हाट के साथ दोज का प्रयोग किया जिसमें रखी हुई वस्तुओं को यह पूछ रहे थे कि ये वे क्या हैं, व्हाट आर दोज, वे क्या हैं, ऐसे वाक्यों का अभ्यास किया जैसे व्हाट आर दोज, दे आर पेंस, व्हाट आर दोज, दे आर बुक्स, व्हाट आर दोज, दे आर बनानाज, व्हाट आर दोज, दे आर ट्रॉफीज, व्हाट आर दोज, दे आर एप्पल्स, व्हाट आर दोज, दे आर ग्रेप्स। अब तक हमने जो अध्ययन किया उस अध्ययन के अनुसार एक्सरसाइज 5 में हम दिए गए प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी में देंगे। पहला प्रश्न है आर दीज बनानाज। आर पहले आया है इसलिए हम बोलेंगे क्या। दीज का मतलब ये, पास रखी वस्तु के लिए दीज का उपयोग हो रहा है। दीज मतलब ये, बनानाज मतलब केले। क्या ये केले हैं, हमको
चित्र केले का दिख रहा है, इसलिए हम कहते हैं यस दे आर, हाँ ये है। दूसरे चित्र में हमको पूछ रहे हैं आर दोज वॉचेज, दूर रखी वस्तुओं के लिए दोज का प्रयोग होता है, आर पहले लिखा हुआ है, तो हम कहते हैं क्या वे घड़ियां हैं। हम देख रहे हैं कि सामने घड़ियों के चित्र हैं, तो उसको देख के हम कहते हैं यस दे आर, हाँ वे हैं। प्रश्न नंबर 3, आर दोज लीव्स, क्या वे पत्तियां हैं। सामने पत्तियों के चित्र को देखकर हम कहते हैं यस दे आर, हाँ वे हैं, हाँ वे पत्तियां हैं। प्रश्न क्रमांक 4, आर दीज पेंस, क्या ये कलम है। तो सामने कलम के चित्र को देखकर हम कहते हैं यस दे आर, हाँ ये हैं। आगे पूछ रहे हैं व्हाट आर दोज, वे क्या हैं। सामने आम के चित्र को देखकर हमारे मुंह से निकलता है वे आम हैं, अंग्रेजी में लिखेंगे दे आर मैंगोज, दे आर मैंगोज, वे आम हैं। अंतिम प्रश्न आज का, व्हाट आर दीज, ये क्या हैं। तो सामने पतंग के चित्र को देख के हम कहते हैं दे आर काइट्स, वे पतंग हैं। भैया बहन इस बात का ध्यान रखेंगे कि एक्सरसाइज 5 में अंग्रेजी के प्रश्नों के उत्तर जब वे अंग्रेजी में दे रहे होंगे तब वे अपनी कॉपी में पहले अंग्रेजी का प्रश्न लिखें, फिर उस प्रश्न की हिंदी लिखें, उसके पश्चात अंग्रेजी में उत्तर लिखे उस अंग्रेजी के उत्तर की भी हिंदी लिखें, जिससे उनको अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद करना भी आ जाएगा और प्रश्नों का उत्तर भी समझ में आ जाएगा। आज इतना ही, धन्यवाद।